चार वर्षमां शहेरमां 319 भूवा पड्या। સમારકામ પાછળ કરોડોનો ખર્ચ થાય છે છતાં પણ ભૂવા પડવાની ઘટના યથાવત રહેતા વિપક્ષ લાલઘુમ। અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદ બાદ ભૂવા પડવાનો સિલસિલો યથાવત રહેતા મનપાના વિપક્ષ નેતા સૈસાદ ખાન પઠાણે બીજેપી પર આક્ષેપ કર્યા। અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદ હો ઓર અમદાવાદ કી સડકો મે ગડ્ઢે ના હો એસા કભી હો નહીં સકતા ઓર સબસે બડી બાત તો યે હે કે ઇતને કરોડો કા ખર્ચ હોને કે બાદ ભી एक कंपनी को इतना बड़ा काम देने के बाद भी इन गड्ढों को ठीक करने के लिए यानी ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए एक ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का खर्च होता है। इसको यदि टोटल मारे तो अंदाजित 48 करोड़ रुपए का खर्च पिछले चार वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ब्रेकडाउन को ठीक करने में लगाए है। ये 48 करोड़ रुपए यदि रोड ठीक से रिसर्फेस किए जाते तो ये 48 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर की जनता से टैक्स के रूप में लिए हैं, उसको भ्रष्टाचार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इन गड्ढों को भरने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आज कमिश्नर को ये विजिलेंस तपास करके भी मांग करेगी कि पिछले चार वर्षों में यदि इतने बड़े गड्ढे पड़ते हो तो अहमदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी नहीं भूवा सिटी का नाम घोषित करना चाहिए। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहने जोड़ा रहो S9 न्यूज़ साथ।